देखिए दोस्तों, ये चाइनीज डोर में कबूतर फंसा हुआ है मेरा। आप यहाँ कबूतर को बचा रहे हैं, इसके पैर में डोर फंस गई थी, ये देख सकते हैं आप। बेचारा, बारिश हो रही है आज। यहाँ सुबह सुबह हमने अपने घर के पीछे देखा, ला दिखाओ, उसके पंखों में फंसी हुई है डोर। काटनी पड़ेगी, चकूला चकूला डोर करो इधर। और जगह दिखाओ, अभी नहीं उड़ेगा ये, इसकी डोर फंसी हुई है। कहाँ फंसी हुई है डोर, ये भाग जाएगा ऐसे। हाँ निकालो, निकल जाएगी, अब कट गई है ना सारी। रुक जा रुक जा, पकड़ो उसे रंग से। अरे अरे अरे, अरे ले ले, मर जाएगा। आपने छोड़ क्यों दिया? ले ले ले, रुक जा, नहीं उड़ पाएगा अभी। चला गया, उड़ जाएगा। हेलो दोस्तों, तो आज सुबह सुबह बारिश में हमने कबूतर बचाया था, उसकी वीडियो है, ये देख सकते हैं आप। ये पीछे जो फूल दिख रहे हैं आपको झाड़ियों में, वहाँ बेचारा जो डोर था चाइनीज मांजा, उसमें फंसा हुआ था मेरा। आपने देखा उसे बुरी तरीके से, तो उसके पंख पैर वीडियो में देख सकेंगे आप। वहाँ लाइन की तरफ भागा, वो उड़ नहीं पा रहा था, हम उसे पकड़ के लाए हैं। ये मेरे आपा है, इन्होंने सुबह बचाया, ये देख सकते हैं आप। अभी उसको हमने यहाँ रखा हुआ है, ये पूरा स्टोर उसी के लिए है, अंदर बैठा हुआ है आराम से। वो देख सकते हैं आप, सामने कबूतर बैठा हुआ है। ये हमने उसके लिए गेहूं और चावल डाले हुए हैं खाने के लिए, इधर पानी रखा है पीने के लिए, बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ है इस समय उसको हमने। और उसको आराम है, सुबह बारिश में भीगा है लगभग एक घंटे के आसपास। हम ना देखते तो शायद इसकी जान भी जा सकती थी। ये मेरे यहाँ पाए हैं, तो मैं बताना चाह रहा था, इस बार भी मैं इलाहाबाद था, मैंने एक भी रुपये बसंत पे खर्च नहीं कराए। पिछली बार की जो मेरी डोर रखी थी, उसी से मैंने पतंग और उड़ाया है। और मैं बोलना चाहता हूँ, सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि अगली बार भी चाइनीज डोर का बहिष्कार करें, क्योंकि ये हमारे जीव जंतुओं के लिए बहुत ही खतरनाक है, आप वीडियो में देखेंगे। और मैं माननीय दीपक रावत जी को और हमारी सरकार, जो छोटी छोटी ठेलियों पर छापे मारती हैं पतंग बेचने वालों पर, उन पर तो आप लोग छापे मारते हो और उनका जुर्माना काट देते हो, लेकिन जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है आप उस चीज़ को बंद क्यों नहीं कर रहे हो? उसको बंद करो जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसी पन्नियों का आप छोटे छोटे थैली वालों पे केले बेच रहे हो उस पर छापे मार दोगे, वो ठीक है, लेकिन जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है आप उस चीज़ को बंद करो, ताकि प्रोडक्शन बंद हो तो देश में बिकना बंद हो। ये चाइना की डोर यहाँ पर बिकती है, कितने लोगों का नुकसान, हाथ पैर गले कट जाते हैं, कबूतर को हमने बचाया है। तो मैं आपसे आशा करूँगा अगली बार भी आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप। तो आशा करता हूँ आप भी किसी जानवर को बचाएंगे, पक्षी को, ताकि और चाइनीज डोर अगली बार से, मैंने सोच रखा है अगली बार से मैं भी सादी डोर से पतंग उड़ाऊंगा, चाहे उड़ा पाऊँ या ना उड़ा पाऊँ, और चाइनीज डोर का बहिष्कार करूँगा। धन्यवाद।